OnePlus Nord CE क्या कमाल का स्मार्टफोन लॉन्च किया। मुझे लिटरली प्राउड हो रहा है OnePlus पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि OnePlus जो है ना वो अपने आप को Apple समझ रहा है। वो समझता है कि OnePlus भी एक बड़ा ब्रांड है Apple की तरह, और अगर वो कम प्राइस के अंदर OnePlus का स्मार्टफोन लॉन्च कर देता है तो पब्लिक तो पागल हो जाएगी और फटाफट जाके वो फोन ले लेगी। लेकिन क्या आप लोग ऐसा स्मार्टफोन परचेज करना पसंद करोगे जहां पे आपको सिर्फ एक 5G बैंड देखने को मिल जाता है? OnePlus Nord CE, the good and the bad things. Yes, सारी चीजों के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से नम्र विनंती है कि टेक द विजुअल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। वेल दोस्तों, आपकी फेवरेट कंपनी OnePlus ने फाइनली इंडिया मार्केट के अंदर OnePlus Nord CE स्मार्टफोन, 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। 23,000 रुपए के अंदर इसका बेस वेरिएंट आपको मिल जाएगा, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। पता करने की कोशिश करते हैं कि OnePlus ने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किया है इस स्मार्टफोन को इतनी कम प्राइस के अंदर लॉन्च करने में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें एक्चुअली में OnePlus को समझना पड़ेगा। OnePlus एक टाइप का बजट फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन के रूप में इंडिया मार्केट में लॉन्च हुआ था, जहां पे हमें जो फ्लैगशिप लेवल के जो फीचर्स होते थे जो 50-60 हज़ार रुपए के फोन के अंदर देखने को मिलते थे, वो सारी चीजें हमको लगभग हाफ रेट के अंदर देखने को मिल जाती थी OnePlus के स्मार्टफोन के अंदर। स्मार्टफोन काफी कम प्राइस के अंदर लॉन्च होना स्टार्ट हुए थे, 25-30 हज़ार से स्टार्ट होते होते ये जो स्मार्टफोन है इसकी कहानी 50-55 हज़ार के ऊपर निकल चुकी है। इसका मतलब ये दोस्तों कि OnePlus एक जमाने के अंदर बहुत ही बढ़िया काम कर रहा था, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा था, पब्लिक के बारे में सोच रहा था, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिलते थे, और धीरे धीरे वो वक्त चेंज होता गया। आज अगर हम लोग OnePlus को देखते हैं तो पूरी की पूरी कहानी ही पलट चुकी है। जो प्राइजेस है वो ड्रेस्टिकली 30-40% इंक्रीज हो चुके हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कस्टमर को फेस होना स्टार्ट हो चुकी है। फॉर एन एग्जांपल, सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू बहुत सारे बग्स अंदर आ जाना, जो स्मार्टफोन का पूरा एक्सपीरियंस है उसको पूरा क्रैश कर देना, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स OnePlus के यूजर्स फेस कर रहे हैं। ऑनलाइन आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इन सारी कहानी के अंदर अगर हम लोग एक्चुअली में OnePlus Nord CE की बात करें तो दोस्तों ये एक 5G स्मार्टफोन है, और 5G स्मार्टफोन का मुख्य उद्देश्य यही होता है दोस्तों कि वो उसके अंदर 5G सिम चल पाए, और इसीलिए बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स, इनफैक्ट सैमसंग भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है 5G वाले। इनफैक्ट जितने भी ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे खासे 5G बैंड्स का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर। लेकिन अगर आप लोग OnePlus Nord CE स्मार्टफोन को गहराई से भी देखते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंगल बैंड देखने को मिल जाता है। आज के टाइम पे अगर पब्लिक कोई स्मार्टफोन लेने जा रही है तो दो टाइप के वो स्मार्टफोन प्रीफर करेगी, 4G स्मार्टफोन विद गुड फीचर्स या फिर 5G स्मार्टफोन। अब 5G स्मार्टफोन अगर लेने जा रही है तो ऑब्वियसली उसके अंदर 5G तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर आप ऐसा स्मार्टफोन लेने जा रहे हो जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल 5G बैंड देखने को मिल जाता है तो उसका क्या मतलब है? इससे अच्छा आप कोई बेटर बढ़िया सा 4G स्मार्टफोन ना ले लो। खैर, ये चीज तो हम लोग ही सोच सकते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे बारे में कहां सोचते हैं। ऑब्वियसली स्मार्टफोन को अगर हम लोग देखेंगे ना तो बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी कम प्राइस के अंदर लॉन्च करने के लिए उसको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, और वो जो कॉम्प्रोमाइजेस है इस स्मार्टफोन के अंदर अच्छे से दिखाई देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सिर्फ एक 5G बैंड का लाइसेंस लेके उसे स्मार्टफोन के अंदर प्रोवाइड करना, ये सबसे बड़ा कॉस्ट कटिंग है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जो आपको OnePlus के एक्सपीरियंस देखने को मिल जाते हैं ना, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। फॉर एन एग्जांपल, जो स्लाइडर बटन है उसे रिमूव कर दिया है, जो बैक पैनल की जो क्वालिटी है उसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। इसके अलावा OnePlus जाना जाता था अपने कैमरा के लिए, कैमरा के अंदर वो जो सेंसर यूज करता था वो ट्राइड एंड टेस्टेड सेंसर हुआ करते थे, लेकिन somehow इस स्मार्टफोन के अंदर हमें ओमनीविजन का सेंसर देखने को मिल जाता है, जो ज्यादातर स्मार्टफोन के अंदर देखने को नहीं मिलता। और प्लस ये भी देखा गया है कि OnePlus ने अब जितने भी कम प्राइस के स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं उसके अंदर हमें कैमरा का जो एक्चुअली में रिजल्ट देखने को मिलता है, OnePlus के स्मार्टफोन्स के अंदर जो देखने को मिलता था वैसा रिजल्ट अब हमें देखने को नहीं मिलता। सो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज तो किया है, लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग एक्चुअली में इन कॉम्प्रोमाइजेस को साइड में रखते हुए स्मार्टफोन को देखते हैं ना, तो हाँ भाई, ऐसा लगता है कि भाई स्मार्टफोन अच्छा खासा बनाया गया है। एक अच्छा खासा स्मार्टफोन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? एक बढ़िया सा स्लीक बॉडी, एक लाइट वेट स्मार्टफोन मिल जाना चाहिए, तो ये स्मार्टफोन भी काफी लाइट वेट है, काफी स्लीक है। 170 ग्राम के साथ में
7.9 mm की थिकनेस के साथ में ये स्मार्टफोन काफी स्लीक बन जाता है। बैक पैनल की बात करते हैं, फ्रंट साइड की भी बात करते हैं, लुक के मामले में काफी प्लेन सिंपल सॉबर लुक आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड में पंच होल डिस्प्ले थोड़ा सा लुक को एनहेंस कर देता है। इसके अलावा जो हार्डवेयर प्रोवाइड किया है वो अच्छा खासा हार्डवेयर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फोन कॉम्पैक्ट बनाया है, 6.4 इंच का डिस्प्ले देखो मिल जाता है। अच्छा खासा डिस्प्ले के लिए यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड फुल एचडी रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि काफी पब्लिक को पसंद आएगा। प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर भी कंजूसी या कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 750G का 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अभी ये जो प्रोसेसर है ये मैंने Samsung Galaxy M42 5G के अंदर भी यूज किया है, काफी फास्ट है, काफी फ्लुएंट है, और इस प्रोसेसर के साथ में आप आराम से गेमिंग कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें, यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है। F1.79 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन समहाउ कॉस्ट कटिंग की वजह से यहाँ पे आपको सोनी या सैमसंग का सेंसर देखने को नहीं मिलता, बल्कि ओमनी विजन सेंसर देखने को मिल जाता है। एक्चुअली में ये किस तरीके की इमेज प्रोड्यूस कर पाता है ये तो एक्चुअल सैंपल देख के ही पता चलेगा। इसके अल्वा एक काम अच्छा किया कि भाई 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा प्रोवाइड किया, दैट इज अ गुड थिंग। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और ये एक ऐसा सेंसर है जो OnePlus ने करोड़ों क्वांटिटी के अंदर परचेस कर रखा है, कुछ ऐसा मुझे प्रतीत होता है, क्योंकि ये वही सेंसर है जो OnePlus के बहुत सारे स्मार्टफोन्स के अंदर बहुत सालों से यूज हो रहा है। यस दोस्तों, 16 मेगापिक्सल का सोनी IMX471 का सेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी के साथ में यहाँ पे आपको 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन किया है ताकि आपको जो फास्ट चार्जिंग है थोड़ा सा बैटर जल्दी से चार्ज कर पाए। इसके अलावा यहाँ पे आपको बाकी जो मिर्च मसाला वो देखने को मिल जाता है, जैसे कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, कैरियर एग्रीगेशन देखने को मिल जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3.5 mm हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर मुद्दे की बात की जाए तो OnePlus Nord CE को आप दो कैटेगरी के अंदर रख सकते हो, द गुड एंड द बैड। गुड कैटेगरी के अंदर आपको उसका ओवरऑल स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ में, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले के साथ में, एक पावरफुल प्रोसेसर के साथ में, फास्ट चार्जिंग के साथ में, और जो मिर्च मसाला उसके अंदर देखने को मिल जाता है। बैड थिंग के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि OnePlus का जो आपको एक्सपीरियंस मिलना चाहिए वो आपको देखने को नहीं मिलता, और मेन इंपॉर्टेंट चीज 5G स्मार्टफोन। अगर आप ये स्मार्टफोन लेने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप 5G को लेके जा रहे हो, और अगर यहाँ पे आपको 5G बैंड्स इनफ क्वांटिटी के अंदर नहीं मिल रहे तो ये स्मार्टफोन लेने का क्या तुक बनता है? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग ही दोगे। क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए कि OnePlus अगर कम प्राइस रेंज के अंदर एक 5G स्मार्टफोन लॉन्च करता है और सिर्फ एक ही 5G बैंड के साथ में, तो क्या आप लेना पसंद करोगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। आई होप आपको अच्छे लग रहे, इंफॉर्मेटिव लग रहे, आपकी लाइफ के अंदर थोड़े भी चेंजेस ला रहे, तो मेरी आप सभी से विनती है टेक डिफ्यूजल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिए। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किए तो प्लीज आके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।